बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम रिवीजन एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 है हमारे पास फैक्टराइज, यानी कि हमने फैक्टर फाइंड करने हैं जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 1 है, ये हमें 3 टर्म एक्सप्रेशन है, यानी कि 3 टर्म्स दी गई हैं इसमें 5x प्लस 10y प्लस 15z। अब यहाँ पे आपने ख़ुद से सोचना होगा, यहाँ पे हमने कौन सी टाइप का फैक्टर फाइंड करना है। पहले हमने 6.1 में, 2 में, ये सब हमने फाइंड किया हुआ है। तो जी यहाँ पे अब देखिए, हमने यहाँ पे फार्मूले की टाइप तो नहीं बन रही, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने कॉमन लेना है। तो आपने ख़ुद से दिमाग लगाना होता है, जो वैल्यू होती है उसको ध्यान में रखते हुए क्या वो फार्मूले की टाइप बन रही है, क्या उसमें कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर सॉल्व करना होता है। यहाँ पे देखें 5 है, यहाँ पे 10 है, 15 है, तो 5 का टेबल इन दोनों 10 पे भी लग सकता है, 15 पे भी लग सकता है। वेरिएबल चेंज है, एक्स चेंज है, वाई चेंज है और जेड चेंज है, इसलिए हमने क्या करना है, सिर्फ वाई को, 5 को हमने कॉमन ले लेना है। एक्स हमने लिखा, 5 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x आ जाएगा। अब 5 को किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 10y आ जाए, हमने 2y के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 to the 10 एंड y प्लस एंड 5 to the 15 z, ये क्या हो गया, हमने 5 को कॉमन ले लिया, तो ये हमारा आंसर है। अब दूसरा क्या है, दूसरे जो है हमारे पास वैल्यू पार्ट 2 की, x² प्लस 14x प्लस 49। अब यहाँ पे जो है, ये हमारे पास आप ध्यान में रखें, हमारे पास फार्मूले की टाइप बन रही है। कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, a प्लस b होल स्क्वायर वाला फार्मूला, यहाँ यानी कि हमारे पास जो राइट साइड है फार्मूले के, a² प्लस 2ab प्लस b², हमने इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है इस वैल्यू को लेके। यानी कि हमने लिखा a² की जगह पे हमने फिलहाल जगह छोड़ देनी है, क्यों, क्योंकि हमें वैसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें मुश्किल होगी, इस तरीके से हम फाइंड करेंगे तो हमें काफ़ी आसानी होगी। ए के साथ स्क्वायर हमने जगह छोड़ दी, 2ab है प्लस b² है, तो हमने b की जगह छोड़ दी। अब ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हमें x² चाहिए, तो हमने x लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो यहाँ पे x लिखा है वो यहाँ पे भी है, क्योंकि ये a है, ये a है और यहाँ पे भी a है, इसलिए हमने इन दोनों जगह पे वैल्यू सेम लिखनी होती है। पहले हमने सिर्फ जो साइड साइड में है उनको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 49 है, हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 7 को अगर हम 7 times मल्टीप्लाई करें तो 49 आएगा। बी की वैल्यू इट मीन्स क्या है, 7, जो यहाँ पे लिखा है वही हमने यहाँ पे लिखना है, 7 times 49। अब यहाँ पे देखें, आप चेक करें क्या हमारी यही क्वेश्चन बन रही है, x² प्लस 14x है, तो 2 7 the 14x, इन तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस है तो प्लस 7 7 the 49, ये हो गई वैल्यू। अब हमारे पास जो हमने राइट साइड ली थी फार्मूले की, इसमें वैल्यू पुट की थी, जो राइट साइड है वो किसके बराबर होती है, a प्लस b होल स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड को करना है, लिखना है उसके इक्वल, यानी कि a की वैल्यू जो है हमारे पास वो है x प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 7, इसके साथ हमने स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि ये हमारे साथ फार्मूले में स्क्वायर है, ठीक है। हमने फार्मूले को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना होता है। ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट 2। पार्ट 3 है हमारे पास, ये देखिए इस सूरत में हमारे पास वैल्यू है, तो हमारे पास जो थर्ड नंबर का फार्मूला है a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b के बराबर है। अब हमने क्या करना है, a² है तो हमने कौन सी वैल्यू के साथ स्क्वायर लगाएं कि हमारे पास 144x² आ जाए। तो अगर हम 12 को 12 times मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा, तो हमने 12x लिया, उसको स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। 12 को अगर हम इस तरीके से 12 × 12, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 144, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने क्या करना है, 12x लिया तो 144x² आ गया। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दिया, 121 है। अगर हम 11 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 121 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, स्क्वायर में आ गई, बीच में माइनस है, तो हमारे पास इस फार्मूले की सूरत आ गई। a² - b² किसके बराबर है, a + b a - b, यानी कि ये साइड अब हमारे पास मौजूद है, तो हमने इस साइड में की वैल्यू को पुट करना है, यानी कि प्रूव करना है। हमारे पास जो है a + b है, तो हम a की वैल्यू है हमारे पास 12x प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 11y, इस तरीके से लिखा। अब है a - b, तो a की वैल्यू है हमारे पास 12x माइनस
b की वैल्यू है हमारे पास 11y, तो जी ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट फोर की जानिब। तो पार्ट फोर की जो वैल्यू है हमारे पास वो भी इसी फार्मूले के शेप में है। देखें ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जैसे ए है तो हमने ए की जगह छोड़ देनी है, स्क्वायर लगा देना है, प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने b की वैल्यू तो फाइंड कर लेनी है, y को अगर हम y से मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर आ जाएगा। a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो अगर हम 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। a की वैल्यू है हमारे पास 5x, तो a की जगह पे हमने 5x लिख देना है। b की वैल्यू हमने फाइंड की है y, तो b की जगह पे हमने y लिख देना है, ठीक है। अब हमारे पास बहुत आसानी है, हम इसको सॉल्व करके देखें। 5 5 द 25 एक्स स्क्वायर प्लस 5 2 द 10 xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब ये जो फार्मूले की ये साइड है किसके बराबर है, a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर है। तो a की वैल्यू है हमारे पास 5x प्लस b की वैल्यू है हमारे पास y होल स्क्वायर, ठीक है। जो ये साइड है किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो हमारा ये आंसर है, हमने इसके इक्वल लिख देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट फाइव की जानिब। तो स्टूडेंट्स इसके पार्ट फाइव में हमारे पास फोर टर्म है, तो फोर टर्म अगर होंगी तो हमारे पास हमने क्या करना होगा, अगर यहाँ पे देखें कोई चीज़ कॉमन नहीं ले सकते तो दूसरी सूरत हमने देखनी होती है, फार्मूले के जो फॉर्म है वो बन रही है, यहाँ पे फार्मूले की फॉर्म बन रही है यहाँ तक, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 9y को हम ऐसे ही रहने देंगे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है, हमने वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे 9y स्क्वायर, इसको हमने सेम टू सेम उतार देना है। अब यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर चाहिए, हमने ए की वैल्यू ए लिख दी, अब बी की वैल्यू हमारे पास 4b स्क्वायर है, तो हमने क्या लिखना होगा कि स्क्वायर के साथ हल करें तो हमारे पास ये आ जाए, 2 2 इज़ द 4 होता है, हमने 2 लिख दिया, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2b, यहाँ पे भी हमने 2b लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने a की वैल्यू हमने a लिख दी। अब यहाँ पे देखें आप सॉल्व करके ए स्क्वायर आ गया, 4ab है तो 2 2 इज़ द 4 ab, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई किया 4ab आ गया, प्लस 2 2 इज़ द 4 b स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये पूरी किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो a की वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू है 2b, ये किसके बराबर होगी, इस वैल्यू के बराबर होगी। और ये -9y हमने ऐसे ही इसके साथ उतार देना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पे देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो गई, ये फार्मूले के इक्वल हो गए, तो ये फार्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमने इन दोनों वैल्यू को प्लस और माइनस की फॉर्म में लिख देना है, यानी कि ए की वैल्यू है हमारे पास ए प्लस 2b, इसको हमने पहले प्लस के साथ लिखना है, प्लस बी की वैल्यू है 9y, ये लिख दिया। अब ए की वैल्यू हमने लिखी ए प्लस 2b, बी की वैल्यू है हमारे पास, अब माइनस बी है ना, अब हमने माइनस के साथ बी की वैल्यू लिखनी है 9y, ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट फाइव की जाने। तो हमारे पास ये है इस फॉर्म में है, तो अगर हम इसको स्क्वायर लगाएँ, ठीक है, -1/x स्क्वायर, ये आगे वैल्यू ये दो इसके बराबर है 1 1 द 1, और x को इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया। अब यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो गया। तो हमने क्या कर देना है, तो यहाँ पे वैल्यू को हमने लिख देना है, a की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस b की वैल्यू है 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ a माइनस b लिखना है, तो a की वैल्यू है हमारे पास 1 -1/x स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास बुक में भी ऐसे सॉल्व किया है कि यहाँ पे अगर इस तरीके से वैल्यू आ गई तो ये किसके इक्वल है, यहाँ पे मैं करके बता देती हूँ, 1 स्क्वायर -1/x स्क्वायर, तो ये अगेन इसको सॉल्व किया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू है 1 प्लस 1/x, बी की वैल्यू है सॉरी यहाँ पे ए माइनस बी लिखना है, तो ए की वैल्यू है 1 -1/x, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, इन दोनों के,
अब ये जो है ये किसके बराबर है, इन दोनों के। तो जो इसको हम इसके साथ लिख लेते हैं वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा इसका आंसर है। चाहे आप यहाँ तक लिख लें, चाहे तो आप यहाँ तक लिख लें, ये भी ठीक होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने क्वेश्चन 4 किस तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपको हमारा पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।